हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स शाला। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर मंजिल बैच। एज यू ऑल नो, आई विल बी टेकिंग योर फर्स्ट क्लास। आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अच्छा, गुड इवनिंग मिस्टर लाइफ हैकर। ओके, एक ही स्टूडेंट है खाली। रात भी बहुत हो चुकी है। अच्छा चलो, अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को, मैंने बायो नहीं लिया। अच्छा, आपने बायो नहीं लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपने बायो नहीं लिया, एटलीस्ट आप तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना, ह्यूमन है, तो आपको अपने सेल के बारे में तो जानना चाहिए। हाँ ठीक है, बायो लो या ना लो, बट यू शुड नो अबाउट एटलीस्ट अबाउट सेल और अबाउट व्हाट इज़ बायोलॉजी, आप लोगों को जानना चाहिए। अच्छा ठीक है। सो आज मैं आप लोगों को जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि बायोलॉजी में जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें सेल एक्चुअली होता क्या है, और सेल में। अच्छा, रॉकस्टार रहमान, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओके थैंक यू, गुड इवनिंग। अच्छा एक और स्टूडेंट आ गया। अच्छा चलो, अच्छा है, बहुत लेट नाइट है एक्चुअली। मैं और जल्दी कर सकता था, बट थोड़ा सा शेड्यूल टाइट था, इसीलिए लेट नाइट करना पड़ा। अच्छा, और ऊपर से आज ओपनिंग है, पहला वीडियो है। अच्छा चलो, आप लोग मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं? इफ़ आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू, प्लीज़ राइट इन द कमेंट दैट यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली एंड क्लियरली। अच्छा, कोई कमेंट आ नहीं रहा। अच्छा यस, क्लियर, ओके ऑडिबल, ओके थैंक यू। अच्छा तो बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मंजिल बैच है, इसकी जर्नी को हम पहले क्लास से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। अच्छा सेल, आपको सेल के बारे में बहुत छोटे क्लास से पढ़ाया जाता है। नियर अबाउट आपको क्लास 7 और 8 से ही सेल का एक बेसिक्स आइडिया दिया जाता है। सो क्या आप लोगों में से कोई मुझे सेल का कोई एक डेफिनेशन या फिर व्हाट इज़ सेल अपनी भाषा में मुझे बता सकता है? प्लीज़ राइट इन द कमेंट, आई वॉन्ट टू नो दैट यू आर रियली ईगर टू लर्न समथिंग हियर। यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट इन द कमेंट, otherwise how will I know that you are very much eager or not? Basic functional unit life hacker, okay good। आपने तो bio नहीं लिया, but आपने तो बहुत अच्छा answer दिया है cell के बारे में, okay good। अच्छा और एक क्या था student का नाम? अच्छा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, शरीफुल आलम, ओके गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को कुछ आइडिया है, कुछ मतलब आपको बेसिक अच्छा आइडिया है। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ओके। 9 में पढ़ा था, ओके गुड, 9 में पढ़ा था, ओके, बट 8 में भी था। क्लास 8 के NCERT बुक से ये शुरू हो जाता है अच्छे से, वेल डिफाइंड ऑर्डर में। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ चुके हैं, इट इज़ अ गुड, अच्छा लग रहा है। ओके, बहुत रात भी हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट कि मैंने दिन में ये शेड्यूल नहीं किया, रात को बहुत लेट कर दिया, फॉर टाइट शेड्यूल के वजह से मैं नहीं कर पाया। अच्छा सो लेट अस स्टार्ट विद द सेल।
आपका ये चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी बुक में, आप लोगों को तो ये पता ही होगा। अच्छा सेल, देखिए जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं सेल, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी शुड नो व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट ऑफ लाइफ सेल। इसके नाम में हमको पता चल रहा है कि सेल जो है एक बेसिक यूनिट है लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर सेल नहीं होगा तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेल अगर नहीं होगा तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ओके। इसीलिए सेल को कहा जाता है, जैसे शरीफुल आलम ने कहा, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अ लिविंग और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए आप अगर किसी भी चीज़ को आप देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर, अगर आप उसके स्ट्रक्चर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल होता है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल होता है, वहाँ पे ब्लॉक्स ब्रिक्स यूज़ किया जाता है, उसके बाद में अदर मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं उन ब्रिक्स को प्रॉपरली अलाइन करके उन्हें एक साथ सॉर्ट आउट करने के लिए, सीमेंट यूज़ होता है, होता है कि नहीं होता है। हाँ तो ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स क्या, ब्रिक्स को क्या किया जाता है, प्रॉपरली अलाइन करके एक रूम के कंपार्टमेंट्स को बनाया जाता है। वैसे ही जो सेल है, एक सेल है ये ब्रिक्स की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ तो क्लियर हो गया, बट एक स्टूडेंट ने ये भी कहा था इट इज़ आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई फंक्शनल, स्ट्रक्चरल तो क्लियर हो गया, ये सेल्स एक साथ, एक सेल दूसरे सेल के साथ, सर वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सेल बट हाउएवर सेल कैन लिव फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट अस। ओके ठीक है, गिटार गिटार बॉय, अच्छा ओके गुड, ठीक है स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। सो वेयर वॉज आई, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फंक्शन। ओके सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर, इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेल, बिकॉज सेल क्या करते हैं, दे कम टुगेदर एंड दे गिव अ स्ट्रक्चर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पूरे बॉडी में एक सेल नहीं है, कई सेल है, हम मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। हम मल्टी सेलुलर है कि नहीं, आर वी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, इट इज़ अ जनरल आईक्यू क्वेश्चन, जस्ट कमेंट इन, जस्ट कमेंट, लेट मी नो, लेट मी सी। यस सर, लाइफ हैकर, ओके लाइफ हैकर पूरा एक्टिव है एकदम गुड। हाउ वुड इट बी, अच्छा मल्टी सेलुलर गुड, ठीक है। हमारे बॉडी में एक सेल नहीं है, बहुत नंबर ऑफ सेल्स है, मल्टीपल सेल्स है, ये सेल सब एक साथ मिल करके हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहे हैं और ईच एंड एवरी सेल इज फंक्शनिंग इन आवर बॉडी टू सस्टेन आवर लाइफ। सेल के अंदर बहुत से रिएक्शंस हो रहे हैं, सेल के अंदर प्रोटीन बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे रहा है सेल को, है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है कि नहीं। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, आपने पढ़ा हुआ है छोटे क्लास में, क्लास 8-9 में आपने, आप पढ़ के आए हो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गेनेल कहलाता है, प्लीज कमेंट। पावर हाउस, या अगर पावर हाउस है इसका मतलब मालूम चल रहा है कि ये सेल को बैकअप देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। ओके ग्रीन गीतर स्टूडियोज गुड, पावर हाउस वेरी गुड, ओके रोशन जमील अंसारी हाय सर, ओके हाय बेटा गुड, ओके स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बहुत ईगर्ड है, इतनी रात हो गई है फिर भी आ रहे हैं, गुड चलो ठीक है, ऐसा ही जोश होना चाहिए। एटीपी ग्रीन गीतर स्टूडियोज वेरी गुड, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल को पावर प्रोवाइड करता है, बट वो पावर जो एनर्जी स्टोर करता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है उसे। वेरी गुड वेरी गुड, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है और ये बेसिक है। अच्छा सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे सेल के अंदर चलती रहती है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना, उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाद में आरएनए बनता है ट्रांसलेशन हो करके,
और सॉरी या ट्रांसक्रिप्शन हो करके आपका आरएनए बनता है डीएनए से, और फिर जो आरएनए बनता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन वो ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में। ये सब जो काम है ये कहाँ होता है, ये सेल के अंदर होता है। सो अल्टीमेटली ये सेल क्या कर रहा है हमें, ये हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट कर रहा है। अल्टीमेटली ये जो सेल है ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, अच्छा थैंक यू बेटा, प्रे टू गॉड दैट और अच्छे से पढ़ाने के लिए मुझे क्या बोलते हैं एनर्जी दे, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग वॉट एवर आई हैव, वॉट एवर नॉलेज आई हैव। ओके आप लोगों को समझ में आ रहा है, इट इज़ वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री फॉर मी। ओके आप जस्ट कोप अप करते रहिए मेरे साथ और कमेंट पे मुझे रेगुलर कमेंट्स देते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके मल्टी सेलुलर शरीफुल आलम, मल्टी सेलुलर, अच्छा बेटा वो तो हो गया। ओके हम मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। क्या आपका कोई क्वेश्चन है मल्टी सेलुलर के ऊपर? वो क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा आगे जब हम पढ़ते जाएंगे ना, अभी तो जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सेल के बारे में, ठीक है। वैसे भी रात ज़्यादा हो गई है तो मैं ट्राई करूँगा कि 1 आवर दैट इज़ बिफोर 12 मैं आप लोगों को रिलीज़ कर दूँ। बट लेट मी गेट द पॉइंट जो आज मैं देना चाहता हूँ आपको इस स्लाइड के ज़रिए इस वीडियो में। अच्छा सो लेट अस स्टार्ट। सी आप ये स्लाइड में एक सेल देख रहे हैं, आर यू सीइंग दिस? एक सेल देख रहे हैं कि बहुत मल्टीपल सेल्स देख रहे हैं? प्लीज कमेंट, रेगुलर कमेंट करना पड़ेगा तभी मुझे पता चलेगा। ओके अच्छा मल्टीपल्स, हाँ ये आप ही के लिए बनाया गया है, सो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और अच्छा भी लगे। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मोर ओवर सब स्टूडेंट ईगर डब भी हो गए हैं। ओके मल्टीपल, ओके वन, किसी को वन दिख रहा है? बीच में एक वन जो है उसके ऊपर फोकस किया गया है और बाकी भी है, ठीक है बाकी भी है। ओके सो आप इस सेल के बीच में देख रहे हैं डार्क ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, वो क्या है? वो न्यूक्लियस है सेल का। ओके हम आगे स्टडी करेंगे डीपली। सो देखिए हम अगर सेल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो हमें मालूम है सेल डिस्कवर हुआ ओनली बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो सेल का डिस्कवरी वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल। ओके न्यूक्लियस, ग्रीन गीता स्टोरीज, गुड। ओके अच्छा सो एम आई क्लियर टू यू? अगर माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड नहीं होता तो हम सेल को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि सेल कितना छोटा है, सेल इतना छोटा है दैट विद अ बियर नेकेड आई वी कैनॉट सी। ओके देयर आर फ्यू सेल्स विच कैन बी सीन, वो हम पढ़ेंगे कौन सा सेल है, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, वो हम पढ़ेंगे। बट बेसिकली अगर हम सेल की बात करें, सेल आर वेरी स्मॉल। सेल कैसे दिखते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के लिए वी रिक्वायर माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप कैसे डेवलप हुआ, पहला इंसान ऐसा कौन इंसान था जिसने माइक्रोस्कोप डेवलप किया फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में उसने कैसे, क्या इंसिडेंट हुआ जिससे कि वो सेल डिस्कवरी में आ गया उसके? ओके वो हम सब आज देखेंगे। अच्छा सो देखिए पहले हमने तो डिस्कस किया इतनी देर व्हाट इज सेल। सर सैनिटाइज कर लेते हैं, अच्छा मिस्टर लाइफ हैकर सैनिटाइज कर लीजिए। सो डिजिटल सैनिटाइज करना पड़ेगा, अच्छा ओके सैनिटाइज कर लीजिए। व्हाट इज सेल, इधर लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, व्हाट इज सेल, इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या है, सेल है। हमने अभी डिस्कस किया ही है, जैसे एक ब्रिक, जैसे एक ब्रिक एक बिल्डिंग को स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है, वैसे ही एक सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दे आर प्लांट्स, वेदर दे आर एनिमल्स, वॉट एवर लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़, उनको स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। इसीलिए कहा गया है इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। फंक्शन इसीलिए कहा गया है बिकॉज ये आप देख रहे हैं सेल के अंदर कितने सारे ऑर्गेनल्स हैं, इन्हें ऑर्गेनल कहा जाता है। ऑर्गेनल देखिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ जो आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, बट बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये वर्ड ऑर्गेनल वर्ड में प्रॉब्लम होता है समझने में। फॉर एग्जाम्पल जो बेसिकली
लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है। देखिए हमारे बॉडी के अंदर क्या है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, कोई कमेंट करके बता सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं जब खाना खाऊंगा तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन जो होगा वो किन किन चीज़ों के थ्रू जाएगा, वो फूड कैसे कहाँ, वेरी स्मॉल। क्या स्लाइड में जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो बहुत छोटा है शकील आलम? अच्छा मिस्टर लाइफ हैकर, ऑर्गन्स, ओके गुड। हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, है ना? वो ऑर्गन्स क्या है, जैसे लिवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। ओके देन लेट मी शकील आलम, देन लेट मी एनलार्ज इट। अभी ठीक है क्या, अभी आपको ये विजिबल है? प्लीज कमेंट सो दैट आई मे नो। अच्छा ओके थैंक यू, ओके स्टूडेंट अच्छे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, गुड थैंक यू। अच्छा मिस्टर लाइफेकर ने कहा था ऑर्गेन्स, मैंने पूछा था एक क्वेश्चन कि हमारे, ओके विजिबल, ओके नाउ इट्स क्लियर, ओके थैंक यू। सो जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमारे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, वेरियस फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, है ना? इसीलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन द सेम वे हमारी जो सेल है, इस सेल को अगर हम एक बॉडी की तरह देखें और इस सेल के अंदर जो इस सेल के अच्छा वेट अ मिनट, ओके ठीक है, हमारे जो सेल के अंदर ये ऑर्गेनल्स हैं, अरे क्या हो गया? अच्छा वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स गाइज, सम टेक्निकल डिफिकल्टी। ओके हम यहाँ से अभी पढ़ेंगे इन द, अरे यार ये फिर से प्रॉब्लम कर रहा है गाइज, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, लेट मी करेक्ट इट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा सो जिस तरह ऑर्गेन्स हमारे बॉडी के फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, उसी प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, गॉल्गी अपरेटस, गॉल्गी वेसिकल्स, वैक्यूल, लाइजोसोम, सेंट्रोसोम, ये सभी एक सेल के ऑर्गेन्स, कहाँ हम इन्हें ऑर्गेन्स कह सकते हैं। ओके सो ये जितने भी पार्ट्स हैं सेल के अंदर, इन्हें ये वेरी बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें ऑर्गेनल कहा जाता है। ओके क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, आपको ये समझ में आया इन्हें ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है? सिंस सेल इज़ वेरी स्मॉल, सेल के अंदर के पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे, है ना? और दे वर्क टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, सो अल्टीमेटली दे फंक्शन एज ऑर्गन्स ऑफ अ सेल, और जिसके वजह से हम इन्हें ऑर्गेनल भी कह सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कुछ कुछ सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से शुरू करता हूँ मैं, वेरी इंटरेस्टिंग होगा वीडियो भी। न्यूक्लियस देखिए, आप न्यूक्लियस को अच्छे से देखिए, अंदर थोड़ा सा ब्रिंजल कलर का एक मैट्रिक्स दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? एक्चुअली इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके रॉकस्टार रहमान, ओके यस सर, ओके न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, जैसे सेल के आउटर सरफेस में साइटोप्लाज्म होता है, आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं साइटोप्लाज्म, हम दिख रहा है मिस्टर लाइफ, ओके ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का फ्लूड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूड मैट्रिक्स। ये इसका फंक्शन सेल के रिएक्शंस को कैरी करने में हेल्प करता है। ये सेल के अंदर जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी उन सभी एक्टिविटीज़ के कैरी आउट में ये साइटोप्लाज्म हेल्प करेगा। उसी प्रकार ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो फ्लूड मैट्रिक्स है,
ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रिएक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, या डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, या डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है, इन सभी रिएक्शंस को कैरी आउट करने में न्यूक्लियोप्लाज्म एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या आप लोगों को इतना तक समझ में आया, क्लियर है? क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है? प्लीज़ कमेंट करते रहिए, मुझे पता चलते रहेगा। ओके, बीच में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, सिंस आई एम नॉट दैट मच कनेक्टेड विथ टेक्नोलॉजी, आई एम ट्राइंग दिस वेरी फर्स्ट ऑन माई मोबाइल इन दिस स्लाइड, सो काइंडली बेयर दिस। ओके, अच्छा ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, मिस्टर लाइफ एग्रेस सर। अच्छा, सो देखिए यहाँ पर जो ये सेल है, इसे आप जो अगर देखेंगे, ये एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है। जो एनिमल सेल होता है, आपने ऑलरेडी क्लास 8, 9, 10, नॉट इन 10 बट क्लास, सर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा थैंक यू। अच्छा, सो जो एनिमल सेल, ये जो सेल है, ये एक्चुअली एक टिपिकल एनिमल सेल है। ओके, हमारे अंदर भी सेल ऐसा ही दिखता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल, इन साइड द एनिमल किंगडम। अच्छा, हम भी एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था न्यूक्लियस के बारे में, आप देख रहे हैं जो एनिमल का, एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, ये प्रॉपरली एकदम कवर्ड है। इज इट नॉट कवर्ड? क्या ये कवर्ड नहीं है? ये कवर्ड है ना, अच्छे से देखिए, इसके सराउंडिंग एक एनवेलप चढ़ा हुआ है। जो एनिमल सेल होता है ना, बेसिक एनिमल सेल, उसका न्यूक्लियस पूरा प्रोटेक्टेड होता है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर एकदम सुंदर एक कोटिंग चढ़ा होता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं। या मिस्टर लाइफ हैकर, नॉट सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट्स में होता है, वहाँ तक हम जाएंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, सेल थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, ओके उस समय ये वीडियो ख़त्म करूँगा एक्चुअली, इंटरेस्टिंग बना करके। ओके, पहले एक सेल के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं, ओके बेसिक क्लियर आउट कर लेते हैं। ओके, इट इज़ नॉट सेल वॉल, सेल वॉल इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके गुड, वेरी गुड, शियाश्री बरुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर आपको एक डार्क ब्रिंजल कलर का बॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो एक न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या करता है, सेल के अंदर जो इसे राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। फिर ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ये बिल्डिंग बाउंड्रीज की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको सराउंडिंग में, या न्यूक्लियोलस, गुड, या शेयरश्री बुरुआ, इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, जो कि बेसिकली राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है हम सिंपली में, या आरएनए सिंथेसिस भी करता है, बट बेसिकली राइबोसोम भी बनाता है। ओके ठीक है, सो ये राइबोसोम जब बनाएगा, राइबोसोम बनाने के बाद में न्यूक्लियस के अंदर से राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्मा या फिर सेल के एनवायरनमेंट में कैसे आता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं, थ्रू दैट सर सेल भी एटॉम से बने होते हैं। लाइफ हैकर, अच्छा ओके लाइफ हैकर, आई विल बी गिविंग यू दिस आंसर बट लेट मी कंप्लीट, ओके नहीं तो टॉपिक बीच में रह जाएगा। सो, ये जो आपका न्यूक्लियोलस है, बेसिकली राइबोसोम सिंथेसिस करेगा। ओके, अब जब ये राइबोसोम सिंथेसिस करेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये राइबोसोम सेल के न्यूक्लियस से थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर आएगा, ओके इन टू द सेल, न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियर पोर से, ओके हाँ, न्यूक्लियर पोर के साथ ही कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और न्यूक्लियर पोर से हमारा आरएनए जो होता है, वो आरएनए भी निकलता है। अच्छा ओके, शिया श्री बुरुआ, ओके अच्छा, लेट अस कंटिन्यू। सो दिस वॉज अ टिपिकल एनिमल सेल, और कुछ हमने ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन भी किया, और ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो राइबोसोम के द्वारा होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हम जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, एटीपी आपने पढ़ा होगा। ओके, और साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा क्या करता है, इट इज़ अ फ्लूड, सेमी फ्लूड मैट्रिक्स, जो कि बेसिकली क्या करता है,
जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट करने में हेल्प करता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली क्या रहता है, न्यूक्लियोलस ये सब छोड़ करके मेन चीज़ क्या रहती है, एनीवन प्लीज़। न्यूक्लियस के अंदर व्हाट इज़ द मेन थिंग, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट दैट इज़ स्टोर्ड, दैट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड अ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है सर, क्रोमोसोम्स, शियाश्री बुरवा, गुड, लाइफ हैकर, डीएनए, लाइफ हैकर, वेरी गुड। आपने तो बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, नहीं ली है, बट आप वेरी मच यू आर डूइंग वेरी गुड इन दिस लेक्चर। या क्रोमोसोम, शियाश्री बुरवा इज करेक्ट, लाइफ हैकर इज वेरी मच करेक्ट। ये जो हमारा न्यूक्लियस है, क्लास 10 लाइफ प्रोसेस, प्लीज सर हम्बल रिक्वेस्ट। हिमांका बुरवा, अच्छा बेटा क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस, ठीक है वहाँ भी हम जाएंगे, वैसे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे, बट यहाँ फर्स्ट ईयर का बेसिक सेल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज पहला वीडियो है, आस्ते धीरे धीरे मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूँगा। ओके सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट न्यूक्लियस के अंदर जो मेन कॉम्पोनेंट होता है, नहीं तो वो भी रह जाएगा। ऑलरेडी रात बहुत हो चुकी है, इतना देर तक मोबाइल यूज़ करने से आप लोगों के घर में प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो लेट अस कंटिन्यू एंड कवर अप दिस टॉपिक। सी न्यूक्लियस के अंदर शिराशी बरुआ ने कहा क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सर आप रोज पढ़ाएंगे, अच्छा ओके ओके, नॉट रोज बट आई विल बी कमिंग अप विद इन 4 days, 5 days और इन वीक यू विल बी गेटिंग मी विथ वन लेक्चर्स। ओके अच्छा लेट मी कंटिन्यू। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। ओके उस जेनेटिक मटेरियल को लाइफ हैकर ने कहा डीएनए, हम डीएनए के नाम से जानते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज कमेंट, आई वांट टू नो फ्रॉम यू। मैं तो बताऊंगा बट मैं जानना चाहता हूं स्टूडेंट्स कितना जानते हैं, अच्छा लगेगा बहुत। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके वेरी गुड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अच्छा अच्छा सी गुड, मींस ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और सिंस डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट्स आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं इसीलिए न्यूक्लिक कहा जाता है, और ये एसिडिक होते हैं इन नेचर और नेगेटिवली चार्ज होते हैं एसिडिक होने के कारण, इसलिए इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ओके या और डी ऑक्सीराइबोज मीन्स जो राइबोज शुगर होता है उसके सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके दिस इज क्लियर। अभी ये डीएनए अकेले न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, ये डीएनए सम बेसिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड होके रहता है, जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स भी कह सकते हैं इन सिंपल। और बाकी आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में हम कवर करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे वहाँ डीपली आएगा, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, सेल के कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए हो गया, बहुतों को यही कन्फ्यूज होता है कि सर डीएनए रहता कहाँ है, किसी को अगर मालूम भी होता है डीएनए कहाँ रहता है, किस फॉर्म में, किस स्टेज में कहाँ रहता है, उसका डाउट रहता है। जैसे क्रोमोसोम के ऑसम ओके, जैसे किसी ने कहा कि सर क्रोमोसोम, या देखिए क्रोमोसोम स्ट्रक्चर तब फॉर्म होता है जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है। मींस मैं आपको बताता हूँ, आपने जैसे देखा होगा नेकलेस या फिर कुछ ऑर्नामेंट्स जो लड़कियाँ पहनती है गले में या फिर माला, वहाँ क्या होता है रस्सी में छोटे छोटे बीड्स होते हैं कि नहीं, है ना, और एक साथ वो बीड्स एकदम अच्छे से बाइंड होके रहते हैं। उसी तरह सिमिलरली, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलरली, ये डीएनए जो होता है स्ट्रिंग जैसा, ये क्या होता है इन छोटे छोटे प्रोटीन्स, ये बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है, और जस्ट लाइक दैट थ्रेड आपके न्यूक्लियस में पड़ा रहता है, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। आप देख रहे होंगे डायग्राम में क्रोमैटिन वर्ड लिखा हुआ है, इज इट नॉट,
हिस्टोन प्रोटीन, या वेरी गुड शियाशी बरुआ। सर लाइव प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो बनाकर आप अपलोड दीजिए प्लीज़ सर। ठीक है बेटा मैं दूंगा, बट अभी ये वीडियो मुझे कंप्लीट करने दो। अगर सर्वाइव करता हूँ मैं इस वीडियो तक तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, अच्छा सो क्रोमेटिन समझ में आया। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन एक्चुअली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का, मतलब सिंपली डीएनए एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, जो कि थ्रेड रस्से जैसे स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है। अभी जब सेल डिवाइड होगा, तब क्या होगा, ये जो क्रोमेटिन है जो रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए और प्रोटीन बाइंड होके रखे हैं, ये क्या होंगे, ये कंडेंस्ड होंगे, ये अच्छे से एक जगह पे आकर के कंडेंस्ड होंगे। और क्या होगा, ये जो इतना लंबा डीएनए था हमारा, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में फॉर्म होगा। ओके, ये सारा डीएनए क्रोमोसोम के अंदर अच्छे से कंडेंस्ड फॉर्म में आएगा और थ्रू सेल डिवीजन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। इतना क्लियर हुआ? डीपली हम पढ़ेंगे जब जब आगे, हम जैसे जैसे लेक्चर्स हम क्लियर करते जाएंगे चैप्टर्स, ऑलरेडी आपका जो सेल है, सेल के साइकिल जब हम पढ़ेंगे तब ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा इतना तक आप लोगों को क्लियर है मिस्टर लाइफ हैकर? अच्छा क्यों समझ में नहीं आया मिस्टर लाइफ हैकर? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, आप पूछिए मैं आंसर दूंगा बिफोर कैरिंग फॉरवर्ड। अच्छा इसका मतलब किसी को कुछ पूछना नहीं है, नो कमेंट इज कमिंग, देन आई थिंक आई शुड मूव फॉरवर्ड। सर इस एक क्रोमो इज वन क्रोमोसोम इक्वल टू वन डीएनए? देखिए बेटा हमारे जो इंसान के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, एक्चुअली हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो बहुत लंबा होता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, नो यू शुड नॉट ध्रुव ज्योति, व्हाट आई शुड नॉट, यू शुड क्लियर दैट हियर ना। जो हमारे ह्यूमन सेल है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है ये थ्रेड एक्चुअली 2 मीटर लंबा होता है। ये सारा 2 मीटर का जो लंबा डीएनए है ये जब कंडेंस फॉर्म में आता है ये क्रोमोसोम के अंदर फिट हो जाता है, डिवाइड हो के टुकड़ों के शेप में। ठीक है, ओके दिस मच इज क्लियर। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। एंड सर नेक्स्ट क्लास मंजिल बैच का कब होगा? बेटा मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले फर्स्ट क्लास कर लेते हैं, लेट अस सर्वाइव थ्रू द फर्स्ट क्लास। ओके देन टुमोरो, ओके सर, ओके अच्छा अच्छा सो लेट अस सी सेल डिस्कवरी। ओके सी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं सेल डिस्कवरी के बारे में तो आपने बहुत चीज़ें सुनी होगी, जैसे कहा जाता है रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, पहले डेड सेल था वो, कॉर्क था, कॉर्क सेल्स उसने देखा था। उसके बाद में कुछ जब हम और थोड़े हायर लेवल में जाते हैं हम सुनते हैं कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था, है कि नहीं, है ना। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था जो कि एक बैक्टीरियल सेल था। मैं आपको बताऊंगा स्टोरी कैसा था, ओके आई विल टेल यू द होल स्टोरी। एक्चुअली क्या था, जो अर्ली 1600s का टाइम था तब ये स्टोरी शुरू हुआ, जैसे आजकल एंड्रॉयड मोबाइल चलते हैं। उस टाइम क्या था, नीदरलैंड्स में बेसिकली एक आपका एक ट्रेंड था, जैसे हमारे यहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, सब क्या करते हैं खरीदते हैं, एक पैशन जैसा हो गया है ना, पैशन है एक सबका कि नहीं अच्छा मोबाइल है चलाएंगे, नए फीचर्स हैं देखते हैं, लेट अस ब्राउज थ्रू दोज फीचर्स एंड लेट अस सी व्हाट इंटरेस्टिंग इज देयर। ये होता है कि नहीं होता है आज के ज़माने में? वैसा ही तब के ज़माने में क्या होता था, जो बेसिकली लोग थे वो पढ़ाई में ज़्यादा मन देते थे, और बेसिकली पढ़ाई में मतलब कि इतने सीरियस थे वो लोग, माइक्रोस्कोप्स खरीदते थे, माइक्रोस्कोप्स मैन्युफैक्चर होते थे, दुकान में बेचते थे और जाकर के माइक्रोस्कोप खरीद खरीद के लाते थे। और दे सर डू यू टेक ऑफलाइन ट्यूशन? बेटा मैं ऑफलाइन ट्यूशन नहीं लेता, आप ऑनलाइन क्लास करिए। ये ऑनलाइन क्लास आपको इसीलिए दिया जा रहा है सो दैट यू मे हैव द नॉलेज
फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आपको अगर कुछ डाउट है आप यहाँ पर क्लियर आउट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ द मंजिल बैच। एक्चुअली मंजिल बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, इनके रिलेटेड आपको नॉट ओनली कवरिंग द सिलेबस बट टू गिव यू द डेप्थ नॉलेज ऑफ द सिलेबस, उस एम से ये बैच खोला गया है, ऑनलाइन फ्री ट्यूटरिंग खोला गया है, सो दैट यू मे हैव द नॉलेज जस्ट सिटिंग एट योर होम, जस्ट सिटिंग एट योर होम यूजिंग योर एंड्रॉयड एंड यूजिंग द डाटा। आप गेम खेलते हैं, है ना, गेम ठीक है, गेम खेलना चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ओके, ज़्यादा खेलना एडिक्शन हो जाता है एनीथिंग। अगर उसी चीज़ को अगर आप हैबिट बना लें कि मैं आज गेम, गैलीलियो इज़ माई फेवरेट साइंटिस्ट, ओके गुड, गैलीलियो, गैलीलियो के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके, अभी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उस स्टोरी में गैलीलियो के बारे में भी जिक्र होगा। क्या बोल रहा था मैं, हाँ मैं बोल रहा था कि आप मूवीज़ देखते हैं, गेम खेलते हैं, चाहिए, ठीक है, इंसान करता है ना, इस एज में थोड़ा सा इंजॉयमेंट करता है, थोड़ा सा गेम खेल लेता है, बट थिंक फॉर वन सेकेंड, ये जो आप ऑनलाइन ब्राउजिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसका अगर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई में लगाए, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई में किसी चीज़ की कमी नहीं है, एवरी सब्जेक्ट इज़ अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स, जस्ट गूगल में नहीं तो यूट्यूब में जाकर के सर्च करने की दूरी होती है, अब सर्च कीजिए आ जाएगा। मुझे पता है बोर लगता है 10 मिनट 20 मिनट, बट क्या करें, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, सो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, लाइफ टाइम हंसते रहेंगे, ओके, अभी इंजॉय करेंगे, अभी हंसेंगे तो बाद में जाके पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, ओके, अभी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा रोना आएगा, बट एट द एंड ऑफ द टाइम यू विल बी लाफिंग, सिटिंग इन अ चेयर, सिटिंग इन अ गुड रूम, ओके, हैविंग अ गुड सैलरी, योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, एवरीथिंग विल गो स्मूथली इन योर लाइफ, ओके बेटा, ठीक है, सबके साथ होता है, हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं, ओके, बट हमारे टाइम में तब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं आया था, ओके, अभी क्या हो गया है, आप लोग टेक्निकली इतने एडवांस हैं, एंड्रॉयड के बारे में आप जितना जानते हैं हम शायद से उसका आधा भी नहीं जानते होंगे। अच्छा, सो लेट अस सी डिस्कवरी ऑफ सेल। सो मैं कह रहा था अर्ली 1600s में नीदरलैंड में क्या था, एक मतलब ट्रेंड था कि लोग वहाँ पर क्या करते थे, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल आज के ज़माने में बिकते हैं, वैसे माइक्रोस्कोप्स बिकते थे, मतलब कि जैसे चश्मे हम पहनते हैं, है ना, ऐसे स्पेक्टिकल मेकर, एक स्पेक्टिकल मेकर था जिसका नाम यहाँ आपको स्लाइड में पहले पॉइंट में दिख रहा है, ज़ेकेरियस जेंसन, ही वॉज एक्चुअली अ स्पेक्टिकल मेकर, बट ये बहुत टैलेंटेड आदमी था, इसने क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट टू कम अप विथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसका माइक्रोस्कोप आपको नीचे दिख रहा है, मैंने इसीलिए अच्छे से एक पिक्चर लगा दिया है उसका माइक्रोस्कोप कैसा दिखता था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जेंसन का पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा था, वेरी सिंपल, एक आईपीस था और एक ऑब्जेक्टिव था, ऐसे दिखता था, वेरी इजी एंड वेरी वेरी सिंपल, प्रिमिटिव था, बट ये आदमी इतना टैलेंटेड था, इसने क्या किया, इसने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही नहीं बनाया बल्कि पहला टेलीस्कोप भी बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में क्या हुआ, आपके बहुत और भी साइंटिस्ट हैं जो कि टेलीस्कोप और ये वगैरह वगैरह आइडियाज़ के साथ ऑलरेडी फील्ड में थे, उसी फील्ड में थे, सो इसका वो वहाँ पे मतलब इतना फेमस नहीं हुआ ये, बट इसका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसे गैलीलियो ने मॉडिफाई किया और फिर फर्दर क्या हुआ, इट वॉज़ यूज्ड बाय देम टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व सेल्स और वट एवर दे वॉन्टेड टू सी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि आपके उस टाइम में एक इंसान था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, आपने ये नाम सुना होगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, है ना, एक्चुअली वे एक डचमैन था। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, जब उसने सुना कि माइक्रोस्कोप्स, लेंसेस ये सब बना करके बिक रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, और ये बहुत मतलब कि मशहूर भी हो रहे हैं, एंड पीपल आर यूजिंग देम, साइंटिस्ट्स और जितने भी साइंस लविंग पीपल थे वो सब इन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो इसने सोचा क्यों ना मैं एक माइक्रोस्कोप खुद बनाऊँ, ज़ेकेरियस जेंसन अगर बना सकता है तो क्या मैं नहीं बना सकता, तो इसने बनाया माइक्रोस्कोप। इसने जब माइक्रोस्कोप बनाया तो इसका माइक्रोस्कोप कुछ इस प्रकार से दिखता था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, आप देख रहे हैं,
ऑन द लेफ्ट साइड द येलोइश, इसका माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से दिखता था, ओके okay? और एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने अपना माइक्रोस्कोप बना करके क्या किया, वो सब चीज़ों को अच्छे से देखने लगा। उसके बाज़ार में चला गया, बाज़ार में जाकर के टाउन में चला गया, टाउन में जाकर के उसे जो चीज़ दिखती थी वो सबको ऑब्जर्व करता। देखिए इसको मैं बताता हूँ कैसे ऑब्जर्व करता है। यहाँ लेंस लगा हुआ है जो कि आपका आईपीस है, छोटा सा एक डॉट है, वहाँ से ऑब्जर्व करता था। बहुत छोटा था सिंस इट वॉज़ वेरी माइन्यूट, ओके, प्रिमिटिव था उस टाइम का। यहाँ पर सैम्पल होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पर वो सैम्पल आप रख सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर एक फोकसिंग नॉब है जो आजकल आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं फोकस करने के लिए, हमारे माइक्रोस्कोप में लैब में अच्छे से मैग्नीफाइंग ग्लासेस फिटेड रहते हैं, है ना। तो उस टाइम में ऐसे फोकसिंग नॉब बनाए गए थे। सो इस पर बंदे ने क्या किया, वो बाज़ार में गया और वो सब चीज़ देखने लगा, उसके सामने जो पड़ती वो सबको ऑब्जर्व करने लगा। मतलब खिलौना जैसा ही था उस टाइम में, मतलब बहुत एक इंसान के अंदर जिज्ञासा उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो देखते 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 उसने क्या किया, अपने उस टाइम में लोग ब्रश कम करते थे, खाते थे और ब्रश कम करते थे। सो अल्टीमेटली जब ब्रश कम करेंगे आपके मुंह में क्या होगा, जो डेंटल स्क्रैपिंग्स होंगे, मतलब खाने के जो पार्टिकल्स दांत में लगे होंगे वो रह जाएंगे। अल्टीमेटली जब वो रहेंगे तो आपके दांतों में बैक्टीरियल सेल्स क्या होंगे, डेवलप होंगे, है ना। सो लाइक दिस उसने क्या किया, अपने दांतों को भी नहीं छोड़ा और उसने इन दिस वे अ लिविंग सेल डिस्कवर कर लिया। शिया श्री बुरवा, यस ओके। उसने इन दिस वे क्या किया, लिविंग सेल डिस्कवर कर लिया, और व्हाट वाज दैट, बैक्टीरियल सेल, ओके। सो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल, एंड दैट सेल वाज नन अदर देन अ बैक्टीरियल सेल। और वो कहाँ से उसने डिस्कवर किया था, डेंटल स्क्रैपिंग, और उसने नाम दे दिया था उन बैक्टीरिया को एनिमल क्यूल्स। क्यों, उसे छोटे छोटे एनिमल्स की तरह दिखते थे वो बैक्टीरिया, इसलिए उसने नाम दिया एनिमल क्यूल्स। जैसे हम कहते हैं ना स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उसने कहा एनिमल क्यूल्स, सिंस दे रिजेंबल स्मॉल एनिमल्स, दैट्स वाई ही नेम देम एनिमल क्यूल्स। अच्छा, उसके बाद में स्टोरी चलती गई चलती गई। रॉबर्ट हुक को उसने लेटर लिखा, रॉबर्ट हुक क्या था, वो भी बड़ा टैलेंटेड बंदा था, वो भी बहुत अलग अलग फील्ड में महारती हासिल करने वाला था। उसने क्या किया, उसने फिर हम जो पढ़ते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, उसने क्या किया, डेड कॉर्क, रियल टाइम्स में जो बॉटल, सर इंटरेस्टिंग, अच्छा ओके थैंक यू, ठीक है, आई एम ट्राइंग, इफ़ इट इज़ इंटरेस्टिंग टू यू देन ओके आई विल ट्राई मोर। अच्छा ये थोड़ा सा बैक जाते हैं और रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ओके okay? अच्छा, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, पहला न्यू माइक्रोस्कोप, मतलब उसने माइक्रोस्कोप, न्यू माइक्रोस्कोप डेवलप किया, और क्या किया उसने, सेल जो प्लांट, सॉरी नॉट प्लांट, एक्चुअली द कॉर्क सेल्स, जो कॉर्क सेल्स होते हैं उन्हें उसने ऑब्जर्व किया। और कॉर्क सेल्स कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था जो उसने डेवलप किया, हुक माइक्रोस्कोप कहा जाता है इसको, ओके 1670 का है ये। अब देखिए, इन 1665 रॉबर्ट हुक रोट अ बुक माइक्रोग्राफिया, ओके, एंड ही ऑब्जर्व्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड फाउंड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर विद द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स नेम्ड सेल। इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप में कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उसने उस कॉर्क में क्या देखे, वेरियस कंपार्टमेंट्स देखे। जैसे अगर आप एक बिल्डिंग में, एक बड़े से आलीशान बिल्डिंग या होटल में आप जाएंगे तो वहाँ क्या अलग अलग रूम्स नहीं होंगे, कमरे नहीं होंगे। अगर आप उन सबको जूम आउट करके बाहर से एक्सरे की तरह अगर आप देखें तो आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नहीं दिखेंगे उस बिल्डिंग में। इन द सेम वे उसने जब इन कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। सिंस कॉर्क क्या है, डेड था, कॉर्क जो होता है उसमें डेड सेल प्रेजेंट थे, इसीलिए उसके अंदर कुछ भी प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म नहीं था, ओनली उन्हें बाउंड्रीज दिखी, ओके, दैट वाज द सेल वॉल, डेड सेल वॉल, ओके। सो सेल्स ऑफ हुक एक्चुअली वर नथिंग बट सेल वॉल्स एंड एनक्लोजिंग स्पेसेस लेफ्ट बाय डेड प्रोटोप्लास्ट। यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ, ओके। यहाँ से जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है, रॉबर्ट हुक ने कैसे कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया,
ओके सेलुलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, उसके बाद में एंटोन वॉन ल्यूहेनुक ने कैसे लिविंग सेल बैक्टीरिया कैसे ऑब्जर्व किया, ओके उसके बाद में देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल के अंदर का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, हमने न्यूक्लियस थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ओके न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ओके और ये बेसिकली उन्होंने कौन से सेल्स में देखा था, जो ऑर्किड प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स होते हैं उनके रूट्स में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ओके ओके सी लेट अस मूव फॉरवर्ड रिगार्डिंग द सेल थ्योरी। सी सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जब आता है बेसिकली हमारे सामने तो बहुत सी बातें सामने आती हैं। फॉर एग्जांपल सेल थ्योरी में तीन ही चीज़ है, नंबर वन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड नंबर थ्री न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तीन चीज़ हमारे सामने सेल थ्योरी देता है, ये मॉडर्नाइज सेल थ्योरी है, कंपाइल्ड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी है, बट जब हम सिंपली ऐसे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बोर लगता है ना, सो इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। देखिए सेल थ्योरी एक दिन में नहीं आया, इसे एक जन ने नहीं दिया, इसे बनाने के लिए बहुत लोगों ने स्टडी किया। मैं आपको दिखा देता हूँ इन महान महाशयों को, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये नहीं है, ये देखिए आप, सेल थ्योरी जब आया था ये जो मैथियस स्लेडन है ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था, ये एक्चुअली एक जर्मन बोटानिस्ट थे, ओके इन 1838 तब क्या हुआ था, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। और सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, हमें मालूम है सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है कि नहीं। अच्छा सो मैथियस श्लेडन ने क्या देखा, जितने भी ही वॉज अ बोटानिस्ट, बोटानिस्ट किसे कहा जाता है, ऐसा इंसान जो प्लांट्स की स्टडी करता हो उसे बोटानिस्ट कहा जाता है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, इतना आपको मालूम है, यू आर वेरी मच टैलेंटेड। अच्छा और यहाँ देखिए दो नंबर में एक और इंसान है, नंबर टू जो कि थियोडोर शॉन है। थियोडोर शॉन कौन था, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। इन्होंने क्या किया, हनीकुंब या लाइटेड कॉर्नर उन्होंने पहले आंसर दिया था, या हनीकुंब वो डेड कॉर्क सेल जब हम अच्छे से देखें उनको हम हनीकुंब स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है, मतलब मधुमक्खी का जैसा छत्ता होता है ना वो हनीकुंब, वो सेम सेल ऐसे ही दिखते थे, उन्होंने वैसा ही कहा था। गुड ओके गुड, आपका बेसिक्स क्लियर है, ओके गुड। थियोडोर शॉन, थियोडोर शॉन ने क्या किया, थियोडोर शॉन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, जूलॉजिस्ट किन के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स ऑफ कोर्स। सो उन्होंने क्या किया, सारे एनिमल सेल्स को मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स की स्टडी की। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इन्होंने कैसे स्टडीज़ की, मैंने आपके लिए थोड़े से एनिमेटेड मैंने कार्टून्स टाइप में बनाए हैं ये आपको। सर मुझे आज पता चला बोटानिस्ट मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करता है। अच्छा ओके सो देखिए यहाँ नीचे आई एम एजाज, ओके एजाज 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 फ्रॉम मार्कस, अच्छा ओके कमेंट आते रहेंगे, लेट अस कंटिन्यू, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, 12 बजने वाले हैं, ज़्यादा देरी हो जाने से बाद में घर पे पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। यस ओके एजाज श्रेयाशी बरुआ, अच्छा अच्छा सी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए जो थियोडोर शॉन है जूलॉजिस्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के पास जा रहा है और उनके सेल्स को स्टडी कर रहा है ना, ये पिग है उसका सेल उसने स्टडी किया, ये फिश है उसका सेल उसने स्टडी किया, ये मंकी है उसका सेल उसने स्टडी किया, ये क्या है कैट है कि डॉग है, ये कैट है, ये कैट है उसका सेल उसने स्टडी किया, ये क्या है रूस्टर है ना, हाँ रूस्टर का सेल उसने स्टडी किया, पीछे घोड़ा है घोड़े का सेल भी उसने स्टडी किया, ऐसे जितने भी एनिमल्स थे उन सभी के एनिमल सेल्स को उसने ऑब्जर्व किया और उसने ऑब्जर्व करके क्या कहा, अच्छा ओके उसने ऑब्जर्व करके कहा दैट ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट है। सो अल्टीमेटली मैथियो श्लेडन और थियोडोर शॉन के कंक्लूजन से हमें क्या पता चला, पता चला कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर लिविंग, दैट मींस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। अभी थर्ड पर्सन के बारे में हम पढ़ेंगे उन्होंने क्या कहा था, बट थियोडर शॉन और शेल्डन ने इतनी स्टडीज़ के बाद में एक चीज़ उन्होंने पिक्युलरिटी डिस्कवर की कि जो प्लांट सेल हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा थिक कोटिंग या फिर एक लेयर प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। आप लोगों को पता होगा कि प्लांट सेल्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट रहता है ना। बट थियोडर शॉन ने ऑब्जर्व करके कहा कि आई ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स बट देयर वॉज नो आउटर थिक लेयर, देयर वॉज ओनली एन आउटर थिन लेयर, जिसे उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ठीक है, सो इससे कंक्लूड हुआ कि सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। इतना तक क्लियर हो गया, अभी आगे मूव होते हैं। बाद में शॉन ने क्या किया, शॉन ने एक हाइपोथेसिस दिया, परिकल्पना एक दी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज हैं उनके अंदर सेल्स हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मींस ही गेव अ हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। बट व्हेन दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड दिस क्लासिकल सेल थ्योरी there was a negative point that is the drawback, okay? इसका limitation क्या था, उन्होंने cell के बारे में ये तो explain किया कि जितने भी living organisms है सबके अंदर cell है और they are made up of products of cell, tissues है, organs है, okay? But ये cell आता कहाँ से है, इतने सारे cell कहाँ से आते हैं, okay? So at during that time ये जो Rudolf Virchow है, actually he was the physician, he was also very talented person, अलग अलग fields में भी इनकी बहुत सी मतलब क्या बोलूँगा बहुत इन्होंने योगदान दिया था, political भी थे, basically physician थे। इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने first Rudolf Virchow was the one to explain that cells divide, cell क्या होते हैं, divide होते हैं, okay? For example ये एक cell है, ये एक cell है, ये डिवाइड होगा थ्रू सेल डिवीजन और ये दो न्यू सेल्स में पार्ट हो जाएगा, दो न्यू सेल्स फॉर्म करेगा, ओके? सो इससे हमें पता चलता है कि जो न्यू सेल्स हैं वो ओल्ड सेल से एग्जिस्ट ग्रोथ में आते हैं, दैट मींस न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन, जिसे इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। इतना तक क्लियर हो गया हमारी सेल थ्योरी कैसे, देखिए हमारी सेल थ्योरी एक दिन में डेवलपमेंट में नहीं आई, ये धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई, कितना टाइम लगा, और इन्होंने 1838 से, मैं सेल थ्योरी की अगर सिर्फ 1838 से बात करूँ, मैथियस श्लेडन, देन 1839 दो साल हो गया, थियोडर शॉन, उसके बाद में रडोल्फ वर्चो 1855, कितना टाइम लग गया इस सेल के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आने के लिए। देखिए कितना मतलब इन्होंने कितना स्टडी किया होगा। अच्छा लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो अल्टीमेटली मॉडर्न सेल थ्योरी हमें क्या कहती है कि बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। नंबर टू, सेल आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, दे आर यूनिट्स जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, एक फॉर्म देते हैं, ओके? उसके बाद में ईच सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस। हम जानते हैं सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा और सेल का खुद का न्यूक्लियस होगा, ठीक है, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इसके बाद में क्या होगा, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स एंड अ कवरिंग मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर क्या होंगे, मेम्ब्रेन्स होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे डिफरेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडीज हो गया, गोल्गी वेसिकल्स हो गए, ये सब क्या होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे, और ये सारे चीज क्या होंगे, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। एक्चुअली जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं, वो हम एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, क्लास कराऊंगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसका नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में इतना डेप्थ नॉलेज नहीं लेते हैं, जिसके वजह से उन्हें हाई सेकेंडरी सेकेंड ईयर में बहुत प्रॉब्लम होता है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपके बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होते हैं, जीनोमिक डीएनए, प्लास्मिड डीएनए, जीनोमिक डीएनए और जो सर्कुलर स्मॉल प्लास्मिड डीएनए होता है उनके बारे में डिफरेंस आपको मालूम होना पड़ेगा, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अच्छा सो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा,
न्यूक्लियस होगा खुद का, ऑर्गेनल्स होंगे सेल के खुद के, और सारा सेल एक कवर्ड रहेगा एक मेम्ब्रेन से। अगर एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहेंगे, ओनली एक थिन मेम्ब्रेन रहेगा। सर आर यू गोइंग लाइव फॉर क्लास 12? आई विल बी टेलिंग यू दैट, ओके। सो राइट नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक, ओके ओके डियर, ओके। सो और प्लांट सेल में क्या होगा, मेम्ब्रेन तो रहेगा बट मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी जिसे सेल वॉल कहा जाता है, ओके ओके। लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखिए अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा, हम जानते हैं कि सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में प्रेजेंट होती है। हाँ, सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होती हैं। उस हिसाब से अगर हम आज के क्लास में यही कंक्लूड करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऐसे 12 बजने वाला है। देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर पिक्टोग्राफ रखा है, आपका पिक्चर्स मैंने दिए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स हैं, फिर यहाँ पर नर्व सेल है, ब्लड सेल है, ओके, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, एपिथेलियल सेल है, और एक किडनी शेप मतलब गार्ड सेल है, ठीक है। यहाँ देखिए एवरी सेल इज ऑफ डिफरेंट शेप है कि नहीं। हाँ, सो कुछ ऐसे सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली आपके क्या आते हैं, बैक्टीरिया आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पीपीएलओ हम कहते हैं, जिन्हें प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ओके अच्छा। एक्चुअली जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, और क्या होते हैं, वो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट देयर शेप। सो इनका जो शेप होता है बेसिकली फोर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तो है यहाँ पर बैक्टीरियल, देखिए ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। यहाँ पर बैसिलस दिया हुआ है, बैसिलस मींस ये जो सेल्स होंगे, बैक्टीरियल सेल्स होंगे, ये रॉड शेप्ड होंगे, ये रॉड की तरह दिखेंगे। आपने तो रॉड देखा होगा घर पे, जब आरसीसी बिल्डिंग या इनका काम होता है तो रॉड्स आपने देखे होंगे, आयरन बार्स रॉड्स, है ना। सो ये वे ऐसे ऐसे दिखते हैं रॉड्स की तरह। सो रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम बैसिलस कहते हैं। उसके बाद में जो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं या सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। उसके बाद में कुछ कॉमा शेप्ड भी होते हैं, यस सर, ओके मिस्टर लाइफहैकर, और कुछ कॉमा शेप्ड भी होते हैं। जो कॉमा शेप्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ है, एक बीन जैसा बना हुआ है, ओके ठीक है अच्छा। और कुछ स्पाइरल्ड होते हैं, साइड में दिया हुआ है ना ब्लू कलर का स्पाइरल, ओके, जिन्हें हम स्पिरिलियम भी कहते हैं। सो ये हो गए हमारे डिफरेंट शेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे तो देखिए आरबीसी कैसा है, बाइकनकेव है और राउंड है। उसके बाद में जो वाइट ब्लड सेल है वो कैसा है, एमीबॉइड है, अमीबा जैसा एमीबॉइड है। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो है वो कैसा है, लंबा है और नैरो है, लॉन्ग एंड नैरो है। और नर्व सेल कैसा है, ब्रांच्ड है और लंबा है, लॉन्ग है, है ना। और गार्ड सेल्स कैसे हैं, किडनी के शेप के जैसे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सेल साइज, ओके, यू विल बी स्टडिंग। सो यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ये था बेसिक कि सेल थ्योरी क्या है और सेल के शेप्स एंड साइज क्या है। अभी देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के साथ कि स्मॉलेस्ट सेल का साइज कितना है और जो लार्जेस्ट सेल है उसका साइज कितना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सर मैंने बायो नहीं लिया बट एमआर, अच्छा लाइफ हैकर, ओके। सो देखिए मैसेज, अच्छा सो देखिए यहाँ पर मैंने दिया है, एक चार्ट बना के दिया है आपको, जो माइकोप्लाज्मा है। एक्चुअली माइकोप्लाज्मा क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स है, माइकोप्लाज्मा आर एक्चुअली प्रोकैरियोट्स। सो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल्स एंड देयर लेंथ इज अच्छा बेटा व्हाट हैपेंड, सॉरी सर व्हाट हैपेंड, अच्छा लेट मी कंप्लीट, ओके मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पहले टॉपिक। अच्छा, जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है और उसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो 0.3 माइक्रोमीटर का है, ओके ओके समझ में आया।
उसके बाद में देखिए, जो आपने सुना होगा ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो एक्चुअली एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल एग है। ओके, ऑस्ट्रिच एग इज एक्चुअली अ लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। उसके बाद में आरबीसी, ह्यूमन जो रेड ब्लड सेल्स है वो 7 माइक्रोमीटर के अराउंड उनका डायमीटर होता है, क्योंकि वो राउंड एंड बाइकन के होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर उनका डायमीटर लिखा हुआ है। और नर्व सेल के बारे में तो आपको मालूम होगा, नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, नर्व सेल जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो विद दिस हमने आज की क्लास को कंप्लीट किया। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया आपको, सिर्फ सेल के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में आपको पढ़ाया। अब लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। आप अभी सब नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, दिस इज द कंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर दैट वी हैव डिस्कस टुडे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मैं क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, आपको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन नीचे लिखना है। ये रहा ऑप्शन आपका, ये रहा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप लोगों को। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिविजन वॉज प्रपोज्ड बाय, ऑप्शन वन थियोडोर शॉन, ऑप्शन नंबर टू एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर थ्री श्लेडिन, ऑप्शन नंबर फोर रिडोल्फ वर्च्यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके शियाशी बरुआ, शी इज़ वेरी फास्ट, वेरी गुड बेटा, गुड। अच्छा, और बाकी कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहा है? बाकी भी कमेंट कीजिए, लेट मी सी। एवरीवन प्लीज आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, एवरीवन प्लीज आंसर इन द कमेंट, आई विल सी एंड इंशाल्लाह इफ अल्लाह सेव्स देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड आई विल बी कमिंग अप विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ओके, रेसमिन सुल्ताना, ऑप्शन नंबर फोर डी, लाइफ हैकर डी, ऑप्शन नंबर फोर। ओके ठीक है, सही है, गुड। इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लासेस आई विल बी कमिंग विथ मोर इंटरेस्टिंग पार्ट्स फ्रॉम योर सेल चैप्टर। अच्छे से इसको तोड़ फोड़ के अंदर तक पढ़ेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके सर, बाय बाय। ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।